हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जस्ट राइट में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी समय से चल रहा है यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। जो भी चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर और कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा ले, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलते हैं, वीडियो आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आया है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो फ्रेंड, नोटिफिकेशन क्या है हमारा, देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है हमारा नोटिफिकेशन। कॉन्स्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF NISSF एंड राइफलमैन जीडी और असम राइफल एग्जामिनेशन 2022। तो फ्रेंड्स, जैसे आप पहला पहला ये देख रहे होंगे, पहला कॉलम 10/12, मतलब कि 10 दिसंबर से 19 जनवरी 2023 तक हमारे फॉर्म भरे जाएंगे, ये हमारा नोटिफिकेशन आप देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अब पहला टॉपिक, पहला जो हमारा पॉइंट था, ये तो क्लियर हो गया, आपने देख लिया। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक। तो दूसरा हमारा जो टॉपिक है, पदों की संख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, पदों की संख्या देख लेते हैं कितनी हमारी इसमें। तो फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं, मैं खुद जूम करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे ज़्यादा अब की बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है, तो जो हमारी टोटल वैकेंसी है, वो हमारी टोटल वैकेंसी है 56,302। देख रहे होंगे आपके कोने पर लिख रहा हुआ है टोटल वैकेंसी है। तो ये हो गई मेल और फीमेल दोनों की मिलाकर, जो मेल की है वो 48,807 है और बाकी जो 7,495 ये महिलाओं की है। तो दोनों की टोटल मिला के 56,302 वैकेंसी हो गई। अब कैटेगराइज भी देख सकते हैं, BSF की देख लो, SC की, ST की, OBC की, OBC की ये हो गई, ST, OBC, AWR, तो CISF की देख लो, CRPF। तो सबसे ज़्यादा CRPF वैकेंसी आई है 11,263 UR की, और जो हमारी टोटल है वो 24,259 है CRPF में। CISF में हमारी 2,713, BSF में 9,392। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी अभी बार NIA में आई है, देखो दोस्तों 201 वैकेंसी है, ये रही 201 वैकेंसी है टोटल मेल की, और फीमेल की बहुत ज़्यादा वैकेंसी है 41, वरना हर बार ऐसी आती थी 20 या 25 आ गई। तो दोस्तों, आप कैटेगराइज देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा इस PDF का, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेल फीमेल कैटेगराइज, हाइट मेल और फीमेल कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, हाइट आप देख ही रहे होंगे 170 होती है और फीमेल की 157 होती है। और फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा नहीं कि इंटर PCM होनी चाहिए कि 10वीं में क्या होना चाहिए, तो आप किसी भी बोर्ड से 10वीं पास होने चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म होएगा ऑनलाइन, CBT ऑनलाइन पेपर होएगा आपका, और इसमें आप लैंग्वेज क्या डालनी है एग्ज़ाम के लिए, हिंदी या इंग्लिश, आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सिलेबस। सिलेबस में हमारा क्या क्या आता है, सिलेबस में देख लीजिए फ्रेंड्स क्या क्या आता है। हमारे चार टॉपिक रहते हैं इसमें, रीजनिंग, हिंदी, GS और मैथ। आपको मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ कहाँ पर है हमारा नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं, ये हमारा नोटिफिकेशन हो गया पार्ट ए, इसमें हमारा रीजनिंग आ गया, 25 क्वेश्चन है 25 नंबर के। सेकंड आ गया हमारा GK में हमारा 25 क्वेश्चन है 25 नंबर के। थर्ड पार्ट आ गया हमारा मैथ का, तो मैथ में भी हमारे 25 और 25 ही क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्थ आ गया हमारा इंग्लिश और हिंदी, इसमें आप चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं और हिंदी भी ले सकते हैं, तो इसके भी 25 और 25 क्वेश्चन हो गए, 25 ही नंबर के हो गए। तो फ्रेंड्स, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, और नीचे आप एक एक टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में ये PDF दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप नीचे भी टॉपिक वाइज देख सकते हैं, हिंदी, GK, रीजनिंग, मैथ में क्या क्या टॉपिक आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर इसमें पेपर होने के बाद में कट ऑफ लगती है फिजिकल के लिए। तो फिजिकल में क्या होता है, मेल के लिए 5 किलोमीटर होती है 25 मिनट में, और फीमेल के लिए होती है 1600 मीटर 8 मिनट में। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन।
तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ पीईटी। तो ये आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, ये हमारा लड़कों का हो गया मेल, ये हो गया फीमेल का 8.5 मिनट में, और जो लद्दाख साइड से आते हैं उनका मेल का हो गया 1600 मीटर 6.5 मिनट में, और 800 मीटर में लड़के होगा 4 मिनट में। तो फ्रेंड्स ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अगले अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स जितने भी वीडियो को देख रहे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे ये जो हमारा कॉलम है ये 170 सेंटीमीटर लड़कों के लिए हाइट है और महिलाओं के लिए है, और फ्रेंड्स सॉरी मेल के लिए 170 हो गई और फीमेल के लिए 157 हो गई। बाकी कैटेगरी वाइज भी आयु उस पर हाइट पे छूट दी गई है, आप वो भी नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूँ, जब आप फॉर्म भराओ तो आपके पास अगर सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, तो आप उसमें सी सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं 5% मिलेगा, और बी में 3% और ए में 2% आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आप ये ज़रूर लगाएं अगर किसी के पास है तो। फ्रेंड्स आप ये नोटिफिकेशन और देख सकते हैं, जब आप फॉर्म भराओ तो उसमें सबसे पहले आपकी पोस्ट की पहले नंबर पे क्या डालनी, दूसरे पे क्या, तीसरे पे क्या, तो आप सिर्फ 6 पोस्ट डाल सकते हो, 6 से ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो आप 6 पोस्ट अपनी मनपसंद चूज़ कर लेना, कौन सी पहले पे डालनी है, कौन सी दूसरे पे, कौन सी तीसरे पे। तो आपकी जो कट ऑफ लगेगी तो इनके हिसाब से ही लगेगी कि किस में आपके ज़्यादा नंबर होंगे तो आपको शायद मिल जाएगी, कम होगे फिर उससे तो जिसमें ज़्यादा वैकेंसी होगी वो मिल जाएगी, फिर उससे कम फिर वो मिल जाएगी, दूसरे मिल जाएगी। आपको जितने नंबर होंगे तुम्हारे उसके हिसाब से आपको पोस्ट दी जाएगी। और फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, क्या है उसके लिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है और बने रहिए हमारे वीडियो पर। तो चलते हैं हम उस पॉइंट की तरफ, वो पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है एज का, किस एज तक हम फॉर्म भर सकते हैं, और जो इंतज़ार कर रहे हैं उसकी काउंटिंग कहाँ से कहाँ कैसे होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आप ये देख सकते हैं एज, ये वाली लाइन एज लिमिट 18 से 23 साल तक तो आप भर सकते हैं, और ये हमारी जो एज काउंटिंग होगी ये होगी 1/1/2022, मतलब 1 जनवरी 2022 इसी साल से होगी। मान लो अगर किसी की 18 से 23 साल इसमें मांग रहे हैं और आपकी 24 साल हो गई है, तो आपको क्या करना है, अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको 3 साल की आपको आयु में छूट मिलेगी। तो आपकी कितनी हो जाएगी, 7 और ये 2, तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। और मान लो आपकी एज 23 साल हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपकी 23 से ऊपर हो गई है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। लेकिन जो 23 से ऊपर 23 हो गई है हमारी, और 23 से ऊपर हो गई है और ओबीसी में आते हैं, तो आपको आयु की छूट मिल सकती है। ऐसे ही एससी में और एसटी में है हमारी, ये आप देख लग सकते हैं, इसमें 5 साल की छूट है, और ओबीसी में हमारी 3 साल की छूट, और एक्स सर्विस मैन में है 3 साल की छूट। और ये तो आपका काम का नहीं है फ्रेंड्स, बस आप ये 3 चीज़ देख सकते हैं एससी एसटी ओबीसी। तो यही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो फ्रेंड्स आप आज से ही आप तैयारी में लग जाइए, 6 महीने का टाइम तो कम से कम चाहिए एग्ज़ाम निकालने के लिए। आपका एग्ज़ाम अनुमानित होगा कम से कम फरवरी और मार्च के समथिंग, जैसे फॉर्म भरे जाएंगे फिर फॉर्म भरने की जो लास्ट तारीख होगी उससे बाद में 3 या 2.5-3 महीने बाद में आपका पेपर हो जाएगा। और बाकी आप कोई भी रिलेटेड वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हिंदी जीके रीजनिंग मैथ। बाकी आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता रहूँगा, आप हमारे
डिस्क्रिप्शन में जाके, प्लेलिस्ट में जाके आप हमारी सभी तरह की वीडियो देख सकते हैं, हिंदी की, जीएस की, आपको बराबर वीडियो मिलती रहेंगी, और रीजनिंग के भी और मैथ के भी। चलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो लाइक पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स, जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। और फ्रेंड्स, अपने 3 सब्जेक्ट तो कन्फर्म तैयार कर लीजिए आप, रीजनिंग, मैथ और हिंदी। जीएस तो आप जितना पढ़ोगे उतनी कम है, ठीक है फ्रेंड्स, इन तीनों तीनों उसमें ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आप जीएस पे भी फोकस कर सकते हैं, उसमें से आपको अगर 25 क्वेश्चन है आप मिनिमम मिनिमम 17, 18, 15, 16 कर पाओगे। और फ्रेंड्स, इसमें नेगेटिव है 1/4 की, आपके आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका 1 क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो लाइक पसंद आई हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बहुत थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।